वेलकम ऑल अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल एक्सेल ऑफिशियल क्लासेस। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एक्सेल ऑफिशियल क्लासेस में। जैसा कि हमने आपको बताया था कि विद्युत के कुछ व्याख्यात्मक प्रश्न कराएंगे, तो उसकी एक वीडियो फाइल अपलोड कर दी गई है हमारे चैनल पर, आप उसको देख सकते हैं। अगर आप उसको कोई मिस्टेक होती है उसमें तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, फिर हमारी ईमेल आईडी उस पर दी गई है, आप उस पर ईमेल करके बता सकते हैं हमें क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है। चलिए अगर हम आगे बात करते हैं तो हमारा जो अगला टॉपिक है वो है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। जो हमारा अगला टॉपिक है वो है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। ये हमारा है टॉपिक पे आगे बढ़ने से पहले हम आप लोगों से पूछना चाहते हैं, आप लोग अपने घरों में स्वस्थ होंगे आशा करते हैं आप सभी से, और जो वायरस फैला हुआ उससे आप लोग सुरक्षित होंगे। चलिए आज हम आते हैं व्याख्यात्मक प्रश्न के, तो सबसे पहले जानते हैं विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव होता क्या है। तो नोट करते हैं पहला पॉइंट इसमें, हम प्राकृतिक चुंबक प्रकृति में प्राकृतिक चुंबक प्रकृति में पाए जाने वाला लोहे का ऑक्साइड एक पत्थर है, जिसे हम Fe3O4 से जानते हैं। नोट करते रहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जितने भी हैं वो आपको हम नोट करा रहे हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगला आता है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा एवं तीव्रता। इसमें क्या है, देखिए क्षेत्र के किसी बिंदु पर रखी कंपास सुई के दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर खींची गई रेखा की दिशा उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कहलाती है। जैसा कि हमने देखा कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होती है, कि क्षेत्र के किसी बिंदु पर रखी कंपास सुई से दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर खींची गई रेखा की दिशा को उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कहते हैं। प्राकृतिक चुंबक प्रकृति में पाए जाने वाला लोहे का ऑक्साइड एक क्या है, पत्थर होता है, जिसे हम Fe3O4 से जानते हैं। चलिए आते हैं आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। तो तीसरा क्या हमारा यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है।
लिया नहीं, चुंबकीय क्षेत्र में किसी स्थान पर क्षेत्र के किसी स्थान पर क्षेत्र के लंबवत रखे एक मीटर लंबे चालक में लंबवत रखे एक मीटर क्षेत्र एक मीटर लंबे चालक में एक एम्पीयर की धारा प्रवाहित करने पर एक एम्पीयर की धारा प्रवाहित करने पर चालक पर एक न्यूटन का बल लगे चालक पर एक न्यूटन का बल लगे तो उस स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता तो उस स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता एक न्यूटन होगी। नोट कर लीजिए आप लोग इसको। तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या हुई कि यदि चुंबकीय क्षेत्र किसी स्थान पर क्षेत्र के लंबवत रखे एक मीटर लंबे चालक में एक एम्पीयर की धारा प्रवाहित करने पर चालक पर एक न्यूटन का बल लगे तो उस स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी मान ली जाएगी, एक न्यूटन हो जाएगी। सही याद रखते हैं। चौथा जो हमारा आता है वो चुंबकीय बल रेखा है, चुंबकीय बल रेखाएं, चुंबकीय क्षेत्र में बल रेखाएं चुंबकीय क्षेत्र में बल रेखाएं वे काल्पनिक रेखाएं हैं, वे काल्पनिक रेखाएं हैं जो उस स्थान में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा जो उस स्थान में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा का अविरत प्रदर्शन करती है, का अविरत प्रदर्शन करती है चुंबकीय बल रेखा के किसी भी बिंदु पर चुंबकीय बल रेखा के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा खींची गई स्पर्श रेखा को ही
चुंबकीय बल रेखाएं कहते हैं। तो क्या हो गई चुंबकीय बल रेखाएं? कि जब चुंबकीय क्षेत्र में बल रेखाएं हुई काल्पनिक रेखाएं हैं जो उस स्थान में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा का अविरत प्रदर्शन करती हैं, उन्हें क्या कहते हैं? चुंबकीय बल रेखाएं कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर देख लेते हैं, ये एक चुंबक रखा हुआ है यहाँ पे, बहुत सारे कील पड़े हुए हैं यहाँ पे छोटे छोटे, इसके किनारे किनारे जो है कील पड़े हुए हैं। अब ये इनको अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है, इनको ये क्या कर रहा है? अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है। इसके द्वारा जो भी रेखाएं बन रही हैं, ये रेखाएं क्या है? चुंबकीय बल रेखाएं हैं। इनको क्या कहते हैं? चुंबकीय बल रेखाएं कहते हैं। चलिए, इसमें एक वो होता है उदासीन बिंदु, जान लेते हैं वो क्या होता है। उदासीन बिंदु, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए आप लोग, वीडियो को शेयर एंड लाइक करते रहिए। उदासीन बिंदु वह बिंदु है, उदासीन बिंदु वह बिंदु है जहां पर परिणामी, जहां पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र शून्य होता है। अब देखिए, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही चालक बल पर स्थित धारावाही चालक पर बल क्या होता है?